हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो लास्ट फ्राइडे के दिन 45 पैसे की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक आधे परसेंट से भी ऊपर की ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आया। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल चार्ट देखें कि इस स्टॉक में किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहेगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहां पर इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इस स्टॉक में देखें तो अराउंड एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया 66 रुपये। 66 रुपये इस स्टॉक के बॉटम बनने के बाद में इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल से एक गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब इस स्टॉक में निचले लेवल पर एक खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहिए, जो कि 49 रुपये 50 पैसे का इस स्टॉक का एक अहम सपोर्ट लेवल निकल के आता है, जहां से इस स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जो कि आपको शॉर्ट टर्म टारगेट 51 रुपये 70 पैसे और सेकेंड टारगेट 52 रुपये 20 पैसे के देखने को मिलेंगे। इस स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट की बात करें तो काफी दूर है, जो कि 66 रुपये इस स्टॉक का एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जहां पर इस स्टॉक में इससे ऊपर एक बड़ी तेजी बनती हुई नजर आएगी। अगर हम बात करें इस स्टॉक में पास्ट की, तो अराउंड 6 महीने में इस स्टॉक में 10% की गिरावट देखने को मिल रही है और 3 महीने में ये स्टॉक 17% की गिरावट देखने को मिली है और 1 महीने में ये स्टॉक 13.5% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा था। इसे साफ पता लगता है कि इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल से बड़ी मात्रा में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।